गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने जैसे मैथ्स में हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो था डेटा हैंडलिंग। कि फिर हमने समझा, डेटा हैंडलिंग से हमने समझा था कि कैसे हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम हैंडल करते हैं। फिर उसमें हमने समझा था कि किस किस अलग टाइप से अपन इनको लिखते हैं, कि कैसे अपन डेटा को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले था कि डेटा को अपन पिक्टोग्राफ से लिख सकते, पिक्चर्स बना के। फिर बार ग्राफ में, जैसे ग्राफ के अपन बार बना, डबल बार ग्राफ जिसमें 2 बार्स बनेंगे। फिर था अपना हिस्टोग्राम, जिसमें कोई भी गैप बीच में नहीं रहता है, वो कम्प्लीटली चलता रहता है। फिर था ग्रुपिंग डेटा, की ग्रुप में कैसे बनाते हो। टेलीमार्क्स के जैसे हमने साइन सीखे थे, और जितनी बार आता है उसे अपन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फिर जो इनके बीच में गैप होता है उसे अपन क्लास इंटरवल कहते हैं। ये वाली छोटा वाला होता है लोअर क्लास लिमिट, बड़ा वाला अपर क्लास लिमिट। और इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं विड्थ या फिर साइज कहते हैं। ये सब अपन ने देख लिया था। फिर अपने क्वेश्चन 5.1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, अब अपन को इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। क्या है देखो, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन को एम, वुमेन को डब्ल्यू, बॉय को बी और गर्ल को गर्ल। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में सुबह सुबह जब खुलती है, तो उसके एक घंटे में जितने जितने लोग आते हैं उसको शॉपकीपर ने मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल से उसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अपन को क्या बोला है, इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना यूजिंग टेलीमार्क्स। अपन को टेलीमार्क्स भी यूज करने, फिर इससे अपन को बार ग्राफ भी बनाना है। तो बार ग्राफ तो बना लेंगे, लेकिन पहले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले या तो होगा आपका कि शॉप में कौन कौन आए हैं, आप यहाँ पे लिखोगे कि शॉपर्स जो शॉप में आते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा टेलीमार्क्स, फिर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, या तो इसे आप फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर नंबर ऑफ शॉपर्स कह लो, एक ही बात है। उसे हम फ्रीक्वेंसी मतलब वो कोई चीज कितनी बार आई है उसी को अपन कहते हैं। ठीक है, टेबल आप लोग अच्छे से बनाएंगे आपकी नोटबुक में, बिल्कुल शार्प, नीट एंड क्लीन। ओके, अब देखो शॉपर्स कौन कौन आए हैं, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल। ठीक है, तो सबसे पहले एम, मैन मतलब एम है, तो एम काउंट कर लो कितने एम है। देखो जो जो काउंट करना है ना उसको आप कट करते जाओ। देखो एम है क्या यहाँ पे, मैं ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने मैन है, 15 मैन है। अब 15 लिखेंगे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पे लिख देंगे 15 के बाद 15 मैन है। अब वुमेन काउंट करें, वुमेन कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये 28। तो वुमेन कितने हो गए, 28। तो आप पहले चाहो तो यहां लिख लो, टेलीमार्क बाद में बना लेना। फिर क्या है अपने बॉयज, अब बॉयज के नंबर काउंट करो, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5। कितने बॉयज है, 5 बॉयज है, 5 ही है, बॉयज तो कमी आए हैं। फिर गर्ल्स, अब गर्ल्स जो बची रह गई वो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी गर्ल्स है, 12 आपकी गर्ल्स है। अब यार टेलीमार्क्स 28 का बनाना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये अपनी बन गई टेबल, ये क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी इजीली बन सकता है। देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो अपन नंबर्स ले लेंगे, यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन अपन ले लेंगे। तो देखो नंबर्स
तो आई थिंक 5 की टेबल लेना सही रहेगा, तो अपन यहाँ पे 5 की टेबल ले सकते हैं, ये तो जाएगा 0, 5, 10, 15, चलो ग्राफ में आपका पीछे बनाती हूँ, यहाँ पे बनेगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ओके तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 0, 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब क्योंकि नंबर देखो हाईएस्ट अपना 28 तक ही है, तो अपन इसको इतना ही रख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैन है, कितने हैं, 15 है, तो कोई भी 2 ब्लॉक ले लो ना आप मैन के, यहाँ से स्टार्ट कर लो, मैन के कोई भी 2 ब्लॉक लो, 15 ही है मैन, तो आप 15 पे ही लाइन कर दो कि मैन 15 ही है। तो देखो मैं रेड से बनाती हूँ आपके 15 मैन, तो ये हो जाएगा आपका मैन, ठीक है। फिर आपका है वुमेन, कितनी है, 28, तो देखो 20 25 30 के थोड़ा सा पास में होगा ना 28, देखो यहाँ मैंने 0 से लेके यहाँ पे 2 छोड़े, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में आप 2 ही छोड़ो, ये ज्यादा नहीं छोड़ोगे, तो फिर यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो ये आपके ऐसे बनेगा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बॉयज, बॉयज कितने हैं, 5 है, तो आप 5 के ऊपर बॉयज की लाइन ड्रॉ करो, अब यहाँ पे भी 2 का ही गैप छोड़ोगे और 5 यहीं पर ही है आपका, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट गर्ल्स कितनी है, 12 है, तो देखो 10 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा गर्ल्स का, तो देखो 10 यहाँ है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, तो वो हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये अपना बन गया टेबल, क्या बन गई, ये अपनी टेबल बन गई, बस अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अब हाँ लिखना तो है ही, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ शॉपर्स, और यहाँ पे शॉपर्स आ जाएगा कि कितने लोग हैं, या उससे पहले ये लिखोगे, ये क्या है, मैन, एम मतलब मैन, डब्ल्यू मतलब वुमेन, जी मतलब बी है ना पहले, तो यहाँ आ जाएगा बी मतलब बॉयज और जी मतलब गर्ल्स, और यहाँ पे आ जाएगा शॉपर्स की ये कितने कितने लोग आए, ये वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री, वेजेस मतलब कितना उनका काम है, मजदूरी उनको कितनी मिलती है, वो अपनी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें वर्कर और ये रुपीज में, ठीक है। अब यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द इंटरवल्स एज 800 810, अपन को मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये अपन को गिवन की है, ये अपन को लेना है, एक तो 800 से 810, 810 से 820, अब ये जहां तक जाती है वहां तक अपन को लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सबसे पहले लिखना है अपन को क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, उसके बाद में आ जाएगी टेलीमार्क भी यूज करनी है अपन को, तो टेलीमार्क्स, और फिर फ्रीक्वेंसी की वो कितनी बार आया है, ठीक है। ओके, अब देखो अपन को क्लास इंटरवल 800 से गिवन है, तो
आप पहले चेक कर लो कि कोई नंबर 800 से कम तो नहीं है, क्योंकि क्लास इंटरवेल जरूरी नहीं है कि वो आपको स्टार्टिंग वाला ही दे, वो आपको बीच वाला भी दे सकता है। तो अपन ने चेक करा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी 800 से कम नहीं है, तो 800 से ही स्टार्ट कर लो। आप किससे स्टार्ट कर लो? 800 से फर्स्ट हो जाएगा, 800 से 810, फिर हो जाएगा आपका 810 से 820, फिर 820 से 830, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880। अब देखो लिखना कहाँ तक है, तो अब देख लो कि हाईएस्ट नंबर कितना है, 90 भी है, ठीक है, 890 तक हाईएस्ट है ना, तो अपन को 880 से 890 यहां तक नहीं होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक होगा, 890 से 890 से हो जाएगा 900 तक। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो 800 है ना, अपन ये अगर 800 इसमें काउंट करेंगे, फिर 810 भी इसमें काउंट कर लेंगे, इसी तरह 810 तो यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, मतलब ये चीज दो बार काउंट हो जाएगी। बस इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट नंबर काउंट होगा, लास्ट नंबर काउंट नहीं होगा, फर्स्ट नंबर काउंट होगा, लास्ट नंबर काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। मतलब 800 तो इसी टेबल में आएगा, क्योंकि इस टेबल में काउंट नहीं करेंगे तो ये तो रह जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे काउंट होगा, लेकिन 810 यहाँ काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर फर्स्ट नंबर काउंट कर रहे तो यहाँ अपन छोड़ नहीं सकते, अपन मैच में चल रहे तो लाइन वाइज सारी जैसे इसमें यूज कर रहे वैसे इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 800 यूज कर रहे तो यहाँ फिर 810 यूज करना पड़ेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 810 है उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, मतलब 800 से अपन को यहाँ पे 809 तक के ही नंबर लेने, 810 इसमें काउंट ही नहीं करना है। ओके, तो देखो काउंट करेंगे अपन कितने हैं, 800 से लेके 810 के बीच में कितने नंबर से, देखो जो भी आएगा ना नंबर आप उसको कट कर देना उससे छोटे वाले नंबर को, 810 तो अपन को इसमें काउंट करना ही नहीं है, ये नहीं है, ये रहा एक तो 841 एक और होना, देखो 830, 835, 90, 10, 35, 36, 69, 45, 98, 90, 20, 60, 32, 33, 55, 40, 804 कट कर दिया, 808 ये रहे 2, फिर 12, 40, 85, 35, 35, 36, 70, बड़े है दो नंबर, मतलब कितने हैं दो। आप चाहो तो टैली मार्क्स पहले लिख लो या पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो, दो है और ये भी कितने हो जाएंगे 2, बिल्कुल बट सामने की सामने आपको लिखना। आप चाहो तो ऐसे इनके बीच में लाइन भी कर सकते हो ताकि आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है, अभी रॉन्ग भी नहीं होंगे अपने, ठीक है सही है। अब 810 से 20 तक, 810 से काउंट करेंगे अब अपन, ये रहा 1, 10 के बाद में फिर 11, 11, 12, 11, 12, 13, 14 काउंट करना, 2, ये भी 2 ही है, कितने हैं 2, ये कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। अब देखो अपन ने जब काउंट किया था अपन को 806 एक और मिल गया जो कि 810 की उसमें आता है, तो अपन के मतलब यहाँ पे 2 नहीं होंगे, यहाँ कितने होंगे 3, तो आपको फिर यहाँ पे भी करेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी 2 नहीं होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे 3। कोई बात नहीं, बाद में मिल जाए तो आप बाद में उसको सही कर लो, या पहले जैसे इसमें इसके ऊपर ही लिख लो कि यहाँ से यहाँ तक कितने, या पेंसिल से लिख लो यहाँ पे, फिर बाद में अगर और दिख जाए तो ठीक है, वरना फिर पेन से तो आपको करना ही है। अब 820 से 30 के बीच अब मैं आपको एक एक आप काउंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ आपका, ये है, ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 1 3 1 1, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, 10 20, यहाँ पे देखो एक लाइन मैंने मिस कर दी, 30 के बाद मैंने डायरेक्ट 40 कर दिया, तो मुझे ये सही करना पड़ेगा। बस आपको इस चीज का, जैसे ये देखो मिस्टेक हो गई,
अगर इतनी सी मिस्टेक होगी तो अपना पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, पूरा आंसर ही अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 800, 90 और फिर 890 से 900। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपन ने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया है, वरना अपना पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पूरा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर ये वन है तो वन टेलीमार्क नाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये तो कर लिया अपन ने। अब आपको क्या करना है देखो, अगर ये कर लिया है तो आप यानी चीज सबका टोटल कर लो। टोटल अगर कितने गिवन है अपन को, 30 गिवन है। टोटल अगर 30 आता है मतलब अपना सही है। 3 + 2 = 5, ये सब 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 5 = 20, 21, 21 + 3 = 25, 25 + 1 = 26, 26 + 4 = 30। मतलब ये अपना हो गया, मतलब कि ये अपना सही है। बस इतना ही बोला था, तो अपन को टेबल बनानी थी तो अपन ने यहाँ पे टेबल बना दी, और तो कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन ने, तो अपन को और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा गिवन इन क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में अपन ने जो ये डेटा बनाया है ना फ्रीक्वेंसी टेबल, इससे अपन को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, हिस्टोग्राम अपन ड्रॉ कर लेंगे भाई, फिर दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ठीक है, सबसे पहले हिस्टोग्राम तो ड्रॉ करें, फिर ही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये मैंने पहले यहां तक ले लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जीरो। अब देखो यहाँ पे भी नंबर ही है और यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे क्लास इंटरवल है 800 से 810 तक। कहां से स्टार्ट हो रही है? 800 से स्टार्ट हो रही है, तो अपन यहाँ पे निकलेंगे 800, फिर ये हो जाएगा 810, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो जाएगा 900, क्योंकि अपन को तो 900 तक की ही चाहिए। ठीक है, ये अपन ने लिखा। और देखो इन दोनों के बीच में तो सिर्फ 10 का ही गैप है, लेकिन यहाँ पे देखो तो 8 से लिख के 0 से लेके 800 तक का है। कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे ऐसे कर दिया करो, इसका मतलब होता है कि स्केल हमने बीच में से लिए, यहाँ पे हमने स्केल 800 से लिए, मतलब 0 से लेके 800 तक की स्केल हमने यहाँ पर नहीं लिए। फिर यहाँ पे तो आपके ये वाले ही नंबर है 0, 1, 2, 3, तो अपन यहाँ पे मैथ्स वाले ही नंबर ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे हाईस्ट 9 तक ही जा रहा है, तो अपन इसको 9 तक ही रहने देते हैं। आप चाहो तो 10 भी, एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है कि टेबल बनानी। देखो 800 से 810 तक है, 3 है, कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे 3 पे लाइन कर लो, 3 है। ठीक है, तो 3 तक लाइन कर लो ऐसे। 800 से, तो 800 से लेके 810 तक आप क्या कर लोगे ऐसे लाइन। फिर 810 से 820 कितना है? 2 है। 810 से 820 कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 ये रहा। अब देखो 810 की तो ये लाइन ऑलरेडी हुई हुई है, तो ये वाली लाइन ऐसे आपकी हो जाएगी। फिर 820 से 31 है, तो ये लो 1 तो इतनी होगी। फिर 9 है, 830 से यहाँ पे 9 है, तो आप यहाँ पे फिर 9 से ड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं। यहां से 9 तक इसको बढ़ा लो इस लाइन, क्योंकि 830 की ही लाइन बढ़ेगी, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि लाइन कौन सी बढ़ेगी, 830 की बढ़ेगी। फिर 805 है, फिर कितना है आपका? 5। 840 से 850 कितना है? 5 है, तो ये रहा 5। ठीक है, फिर 850 से 861 ही है, तो ये लो 1।
फिर 800 60 873 है, कितना है 3 है, तो ये लो 3 है रहा। ये हो जाएगा फिर 870 से 81 है, 80 से 81 देखो यहाँ पे हो जाएगा 880, 890 और फिर होगा यहाँ पे आपका 900, ठीक है ओके। 870 से 80 114, ऐसे याद रख लो 114। और ये जा रहा है 4 तक, तो यहां से 4 ये रहा आपका यहां तक 4, ठीक है। बस इसको फिर यहां से ऐसे ज्वाइन करके अपन इसको यहां तक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना ग्राफ। अब इसमें कौन सी क्या चीज है, तो ये भी अपन को लिखना तो पड़ेगा ही कि कौन सी क्या चीज है। देखो ये चीज अपनी क्या थी, ये तो है वेजेस और ये नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्या है वेजेस कि कितनी मिल रही है उनको, और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स को कितनी वेज मिल रही है, मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं। अब ग्राफ तो आपने बना लिया, लेकिन ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्केल। क्या होती है स्केल, जो आपको ग्राफ पेपर के यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर में लिखनी है। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखो 1 यूनिट को अपन ने क्या माना, 1 यूनिट नहीं 1 2 यूनिट ले, 2 का गैप छोड़ा है तो 2 यूनिट को अपन मानेंगे 10 रुपीज 10, क्योंकि वेजेस तो रुपीज में है, तो ये हो जाएगा रुपीज 10। फिर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी 2 यूनिट को अपन ने 1 नंबर ऑफ वर्कर माना है, तो 1 नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा, 1 नंबर ऑफ वर्कर। बस इतना सा आपको लिखना है, जो आप मानते हो यहाँ पे जो यूनिट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब ये वेजेस है ना, वेजेस की यूनिट क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो वेजेस इन रुपीज, की रुपीज में है। बस ये बन गया ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 4th में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, सबसे ज्यादा किस में वर्कर है, सबसे ज्यादा वर्कर्स किस ग्रुप में। मैं यही पे इनके आंसर लिख रही हूँ। देखो सबसे ज्यादा इसमें दिख रहे 830 से 840 के ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स अपन को दिख रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ग्रुप वर्कर अर्न 850 एंड मोर, 850 और उससे ज्यादा कौन से ग्रुप के वर्कर्स को मिलते हैं, 850 और उससे ज्यादा कौन से वाले ग्रुप के वर्कर को मिलते हैं। 850 भी उसमें काउंट होगा, और 850 अपन ने इसमें काउंट किया है, और उससे ज्यादा की बात करें तो यहां से काउंट करना हम स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4। देखो 1 + 3 4 5 6 6 + 4 10, तो कितना हो जाएगा 10, 4 5 6 6 + 1 7 7 + 3 10, मतलब 10 वर्कर को उससे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्कर आर लेस देन 850, 850 से कम, मतलब इसके ऊपर वाले सारे 30 में से। देखो ये तो अपन को पता चल गया कि 30 में से 10 ज्यादा करते तो कम 20 वाले ही होंगे, पर कितने वो अपन लिख लेते हैं। 5 + 9 + 1 5 + 9 + 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा आपका 20, 9 + 1 10 10 + 5 15 15 + 2 17 17 + 3 20, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। ये अपन ने क्या, अब अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो वो अपन कैसे क्या करना है इसमें, कि द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉज टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, कि इस ग्राफ में गिवन है कि हॉलीडेज में कौन सा बच्चा कितनी देर तक के लिए टीवी देखता है। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस में है, इसी में है, तो ये हुआ फर्स्ट 32 स्टूडेंट है। अब कितने आवर के लिए देखते, तो 4 to 5 hours के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का कि 32 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर, सबसे ज्यादा तो यही है,
तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस टाइम में देखते हैं कितने घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे एक दिन में वो टीवी देखते हैं। वैसे ये बहुत गलत है, इतने टाइम तक अपन को टीवी नहीं देखनी चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, 4 आवर से कम कितने स्टूडेंट देखते हैं, 4 से कम जो भी है, 22 + 8 + 4 क्या हो जाएगा, 22 + 8 + 4 = 30, 30 + 4 = 34 स्टूडेंट्स है जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। अच्छी बात है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग, 5 आवर से ज्यादा, ये रहा 8 और 6, 5 से ज्यादा तो ये ना 5 से 6, 6 से 7, 8 और 6 मतलब 8 + 6 मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, रहते हैं दिन भर टीवी देखने का काम है इनको, और कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये गलत है, पर कोई टीवी वॉच नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है। ओके, हमने आगे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाई चार्ट की, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है, मतलब जो सर्किल ग्राफ होता है वो हम कैसे बनाते हैं। ओके, तब तक आपको इनको अच्छे से करना है, समझना है। बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।